तरीके का प्रचार कर रहे हैं, वो इनको ऐसा प्रचार क्यों करने दे रहे हैं? ये जो ये है आंखें मूंद लेना, जब अलगाववादी अंदर घुस के, जब इलेक्शन का कोई हक नहीं हो सकता है। हम आज इलेक्शन कमीशन से ये आग्रह करते हैं कि वो अपने दायित्व, भारत के संविधान के तहत हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन निर्वाह हो सकता है। हम को बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि अभी तक यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में जो दो फेज का इलेक्शन हुआ है उसमें अलगाववादी प्रचार अपने चरम पे पहुंच गया है। और हाल ही में जिस तरह से इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, जिसको लेके इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अपनी सेटिस्फेक्शन दिखाई है और ये कहा है कि यहाँ पे नदी नाले पहाड़ सब बड़े खुश हैं, हम खास तौर से आज की पत्रकार परिषद में हम संबोधित हैं इलेक्शन कमीशन को और उनको ये कहना चाहते हैं कि जो ये इलेक्शन प्रोसेस हो रही है ये भारत के संविधान के तहत हो रही है, लेकिन इसमें इस वक्त जो पूरे प्रदेश में है एक अलगाववादी उफान है, एक सांप्रदायिकता का उफान है, वो किस तरह से इन बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, किस तरह से आधे अलगाववादी या पूरे अलगाववादी इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका कौन सा अधिकार है, भारत के संविधान की किस धारा के तहत उनको पार्टिसिपेट किए देना ये कर रहे हैं। ये जो ये सिलसिला है कि इलेक्शन कैंपेन में अलगाववादी कैंपेन एक डोमिनेंट एक बन जाए फीचर और इलेक्शन कमीशन चुपचाप दूसरी तरफ देखे, इससे डेमोक्रेसी का ह्रास हो रहा है, इससे आगे आने वाले समय में यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस अलगाववादियों का अखाड़ा बन जाएगी। और हमारे को बहुत ही दुख से कहना पड़ता है क्योंकि भारत के संविधान के प्रीएम्बल में ही सॉवरेंटी इंटेग्रिटी यूनिटी ऑफ नेशन ये प्रमुख एक दायित्व है भारत की राजसत्ता का, भारत के इंस्टीट्यूशंस को। इलेक्शन कमीशन किस तरह से इसको वायलेट होने दे रही है, कश्मीर घाटी में इंजीनियर रशीद से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक जो जिस तरीके का प्रचार कर रहे हैं वो इनको ऐसा प्रचार क्यों करने दे रहे हैं? ये जो ये है आंखें मूंद लेना, जब अलगाववादी अंदर घुस के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अंदर से कब्जा करने की प्रक्रिया कर रहे हैं, इससे बड़ा भीतरघात, इससे बड़ा इंटरनल सबवर्शन का कोई एक्ट नहीं हो सकता है। हम आज इलेक्शन कमीशन से ये आग्रह करते हैं कि वो अपने दायित्व को समझें, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, उनको समझना चाहिए कि यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो रही है ये भारत के संविधान के तहत हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लिमिटेड है बाय नेशनल सॉवरेंटी यूनिटी पब्लिक ऑर्डर, ये सब चीज़ें ध्यान में रख के फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का यहाँ पे निर्वाह हो सकता है। हमको बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि अभी तक यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर में जो दो फेज का इलेक्शन हुआ है उसमें अलगाववादी प्रचार अपने चरम पे पहुँच गया है और इसको होने दिया जा रहा है, और जो लोग ये होने दे रहे हैं चाहे वो भारत की राज्यसत्ता के साथ जुड़े हैं या इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़े हैं, वो यहाँ की जनतांत्रिक डेमोक्रेटिक व्यवस्था का बहुत बड़ा नुकसान होने दे रहे हैं। सर आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से ये चुनाव हुए हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के कुछ लोग वहाँ फॉर नॉमिनेशन भर, कोई लड़ता आ तो कम से कम अपनी कम्युनिटी के लिए आता? देखिए मेरे हिसाब से 5-8% के अलावा अभी तक पार्टिसिपेशन नहीं रही है कश्मीरी हिंदू की, सबसे कम पार्टिसिपेशन रही है। ये जो ये कह रहे हैं कितने वोटर हैं, फिर कितने वोटर रजिस्टर हुए हैं, और फिर रजिस्टर्ड वोटर्स में किनको अल्टीमेटली वोट देने दिया जाता है, अगर आप इस सारे तथ्यों का आंकलन करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस जनतांत्रिक व्यवस्था से, जैसे हमने पहले भी किया कि कश्मीरी हिंदुओं को इससे बेदखल किया गया है।